नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल अपोलो सेज फर्टिलिटी भोपाल से। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो सारे पेशेंट पूछते हैं कि IVF अननेचुरल तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि IVF के बच्चों में विकृति के चांसेस नॉर्मल के मुकाबले ज़्यादा हैं? अगर मैं IVF की बात करूँ तो नॉर्मल पॉपुलेशन में जो विकृति के चांसेस होते हैं वो 0.8%, जिसका अर्थ होता है कि 1000 में 8 बच्चों में विकृति के चांसेस होते हैं जो कि कुदरती है। IVF की प्रक्रिया में ये चांसेस भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, यानी उनका परसेंटेज विकृति होने का एग्जैक्टली सेम है जो कि 0.8% है। तो अपने आप में अगर विकृति IVF के बाद हो रही है तो वह कुदरती तौर पे है, ना कि IVF की वजह से। पहला IVF जो हुआ था वो 1981 में हुआ था, इंडिया में भी और ऑल ओवर वर्ल्ड भी। और उन दोनों IVF की जो दोनों हुए थे वो दोनों महिलाएं थीं, उन दोनों के भी अभी अपने बच्चे हो चुके हैं जो नेचुरल हैं। आप अगर किसी भी स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में ऑलमोस्ट 5-10% बच्चे, अगर आपका बच्चा क्लास का सेक्शन में 30 बच्चे हैं तो ऑलमोस्ट 2 या 3 बच्चे ऐसे होंगे जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से हुए हैं, और आप उनमें कोई भी फर्क नहीं पता लगा सकते हो। पूरी तरह से वो नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनका मेंटल लेवल, उनकी हाइट, वो दिखने में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। तो अतः इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराएं कि IVF के बच्चे अननेचुरल होते हैं या फिर IVF में विकृति के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू, ये मेरी जानकारी IVF में अननेचुरल होने से संबंधित।